योगी आदित्यनाथ के पुलिस का मिशन क्लीन जारी है। संबल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जबकि बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा। चंदौसी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच करेली के मिलक रोड पर आज सुबह मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस को इस मार्ग पर बदमाशों के आने की सूचना थी। संदिग्ध बाइक पर आते दो लोगों को पुलिस ने रोका तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग पर पुलिस ने बदमाशों को गोली का जवाब गोली से दिया। दो तरफा गोलीबारी में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी भाग गया। उधर पुलिस का कांस्टेबल मोहित भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया। पूछताछ में घायल होकर पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम जितेंद्र यादव निवासी बेरनी थाना कुड़ फतेहगढ़ बताया। भागे बदमाश का नाम उसने नीरज बताया। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि जितेंद्र 25,000 का इनामी और खाद व्यवसायी लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। भागे बदमाश का नाम उन्होंने नीरज बताया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। ये संभल में इंस्पेक्टर चंदौसी को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी का मूवमेंट है, इसी में घेराबंदी की गई थी। करेली मिलक रोड पे एक बाइक सवार दो अपराधियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने हमारे पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मोहित घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लगी है, उसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया और एक कांस्टेबल को हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में पता चला है कि अपराधी जितेंद्र था, जो बेरनी का रहने वाला है, कुड़ थाना क्षेत्र का, और ये पूर्व में इसका लूट विथ हत्या का केस दर्ज था इस पर, और ये 25,000 का इनामिया अपराधी था। अभी ये गिरफ्तार हुआ है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी एक साथी इसका नीरज है, वो मौके से फरार हो गया है, उसके भी तलाश जारी है। ये चंदौसी में एक लूट विथ मर्डर हुआ था, उसी घटना में वांछित चल रहा था और ये मेन कॉन्स्पिरेटर था, ये साजिशकर्ता मुख्य था, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया था उस लूट का। ये सामने उसी के जिसके साथ लूट हुई थी उसके सामने दुकान करता था और पूरी साजिश करके उसके साथ लूट करवाया था, जिसमें उस व्यक्ति की, बुजुर्ग की, हत्या भी हो गई थी।